आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर के स्पोर्ट्स सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम की सर्जरी, डोमेस्टिक और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू की। मुझे आए 4 महीने हुए हैं, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहना था, ना कभी ट्वीट्स देखकर फैसले करता हूँ, ना ही करूँगा, ना पीसीबी ट्विटर से चलता है, ना चलने दूंगा। उनका ये भी कहना था कि मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और आइंदा काम बेहतरीन होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि सबसे बड़ा टारगेट ये कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। जिस दिन मैं प्रेशर में आया, बेहतर समझूंगा कि घर चला जाऊं। पीसीबी के अंदर मामलात को बेहतर करना भी एक चैलेंज है। पीसीबी के अंदर लोग दिखाते कुछ और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि बाबर आजम को तब्दील करने से मुतल्लिक अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। कप्तान को तब्दील करने से मुतल्लिक साबिक क्रिकेटर फैसला करेंगे। मुझे भी महसूस हुआ कि गलतियां हुई हैं, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। दोनों हेड कोचेज और 4 से 5 कमेटियाँ कप्तान से मुतल्लिक भी बहस करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम और वहाब रियाज से मुलाकात नहीं हुई है। क्रिकेटर्स के साथ शायकीन बदतमीजी करेंगे तो नतायज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। हारिस रऊफ से बदतमीजी करने वाले के पीछे FIA लगवा दी है। हारिस रऊफ से बदतमीजी करने वालों को दावत देता हूं, जल्दी पाकिस्तान आए, बदतमीजी करने वालों का FIA इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से यह भी कहा गया कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी लाहौर में मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ वेन्यूज में मुल्तान, कराची, रावलपिंडी शामिल हैं। वेन्यूज और तारीखें फाइनल हो चुकी हैं, ऐलान कर दिया जाएगा। दोनों फॉर्मेट्स के हेड कोचेस को पाकिस्तान बुला लिया गया है। गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लिस्पी और अजहर महमूद जब आएंगे उनके साथ सेशंस किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीली बताया है। वो साबिक क्रिकेटर अब निज़ाम संभालेंगे जिनकी रोजी रोटी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बोलना नहीं है। उनको लाया जाएगा जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, तज्जिया पेश नहीं करते। चेयरमैन PCB ने यह भी कहा है, मुझे साबिक क्रिकेटर ने बड़ी मेहनत से बेहतरी की तफसीली रिपोर्ट दी है। तो आपको आगाह करें हैं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर के स्पोर्ट्स सहाफ़ियों से ये गैर रस्मी गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB ने कौमी टीम की सर्जरी, डोमेस्टिक और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू की। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे आए 4 महीने हुए हैं, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ना PCB ट्विटर से चलता है और ना ही मैं चलने दूंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लीग, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और डोमेस्टिक बारे भी आगाह कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान, बाद में दूसरी चीज़ होगी। टेस्ट सीरीज से पहले क्रिकेटर को NOC जारी नहीं होगा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है। वसीम अहमद इस हवाले से हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने जो लीग खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं उनके लिए सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उनका कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके अलावा दीगर चीज़ें हैं। उनका कहना था कि टेस्ट सीरीज से पहले जिन क्रिकेटर्स ने लीग के लिए NOC की दरख्वास्त की है, इनको NOC नहीं मिलेगा। लेकिन लीग से कबल जो 1-1.5 माह है या 15 दिन है, उन दिनों के अंदर जो खिलाड़ी लीग खेलना चाहता है उसको इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन लीग के दौरान कोई भी खिलाड़ी जो है उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें आपको बताता चलूं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर जो 7 खिलाड़ी हैं उन्हें ग्लोबल T20 लीग के लिए NOC मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन तहाल इसका फैसला जो है वो नहीं किया गया, जिसका फैसला जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने मजीद कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होगा कि जो लोग फिटनेस के मैार पर पूरा नहीं उतरते उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। जो लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे वही उन्हीं को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जाएगा, जबकि उनका कहना था कि फिटनेस के ऊपर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। यो टेस्ट समेत जो फिटनेस टेस्ट होंगे वो देने पड़ेंगे। हर खिलाड़ी जो है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन सकेगा। तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि 20 और 21 जुलाई को ICC के बोर्ड का इजलास है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मजीद मुशावरत है वो की जाएगी। उन्होंने पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल था वो ICC को भिजवा दिया था।
जी। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर क्रैक डाउन का हुक्म दिया है। सनअती सार्फीन को ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए बिलिंग सिस्टम पर चेक लगाने के अहकाम भी जारी। IT को सनअती सार्फीन की बिलिंग पर चेक लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से मरासला भी इरसाल किया गया है। मरासले का मजीद क्या मतन है, शाहिद नदीम सिप्रा बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा, FIA की जानिब से ऑपरेशन के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल की जानिब से एक मरासला तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अरसाल किया गया है, जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि गुज़श्ता एक साल के दौरान जो सार्फीन हैं इनको भारी भरकम यूनिट्स जो हैं ओवर चार्ज किए गए, और उस ओवर बिलिंग की वजह से लेस्को के जो बिलों की मद में बकाया जात हैं उसमें बड़ा इजाफा हुआ और बराह रास्त कंपनी की रिकवरी मुतासर हुई। और उसके साथ ये इंस्ट्रक्शन पास की गई हैं कि आइंदा किसी भी किस्म की ओवर बिलिंग नहीं की जाएगी, और बिलखसूस जो 25 KV तक इस्तेमाल करने वाले सार्फीन हैं उनको जो माजी में अपने लाइन लॉसेस पूरा करने के लिए ऑफिसर्स की जानिब से स्ट्रोक लगाए जाते थे और ओवर बिलिंग की जाती थी, इसको मुकम्मल तौर पर रोका जाए। साथ में यह भी हदायत जारी की गई हैं कि छोटे जो कंज्यूमर्स हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, इनको चूंकि जायद यूनिट्स चार्ज करके इजाफी बिल्स भिजवाए जाते थे, लेकिन उसके बाद क्रेडिट की सूरत में सार्फीन को रिलीफ भी दिया गया, जो कि अभी तक दिया भी जा रहा है। लेकिन आइंदा अब ये कोशिश की जा रही है कि जब माली साल का आगाज़ हो रहा है, इसके बाद अगर जो सार्फीन हैं बिलखसूस छोटी इंडस्ट्री के छोटे कारखाने के हामिल जो सार्फीन हैं उनको किसी भी किस्म की ओवर बिलिंग नहीं की जाएगी, ताकि बिलिंग का निज़ाम भी बेहतर हो सके और जो रिकवरी मुतासर होती है और बकाया जात की सूरत में सार्फीन वाजबात अदा नहीं करते उससे भी पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1600 से बढ़कर 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। मैदा फाइन आटे की कीमतों में 460 से 800 रुपए फी बोरी इजाफा होने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान का इस हवाले से क्या कहना है उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, बिल्कुल, गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले की बात करें तो आटा लेने वाला कोई नहीं था और आटे की कीमतों में बतदरीज कमी देखी जा रही थी और इसके साथ साथ गंदम की भी यही सूरत हाल थी। लेकिन जब वफाकी बजट का ऐलान हुआ तो इसके बाद हर शेय की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस हवाले से आपको बताते चलें, मार्केट के अंदर 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1600 रुपए से थी, जो अब बढ़ती हुई 1800 और बाज़ जगहों पे 1900 रुपए तक 20 किलोग्राम का थैला फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा मैदे की कीमत में 400 रुपए से लेके 800 रुपए इजाफे का इंदिया भी दे दिया गया है, क्योंकि इस हवाले से फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि आटे से वाबस्ता, आटे से मुंसलिक जितनी भी मसनूआत हैं उन पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज किया गया है, जिसके बाद इसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। आटे की जो बोरी 7800 रुपये में दस्तयाब थी, इसकी कीमत में तकरीबन बतदरीज 800 रुपये का इजाफा देखा जाएगा। और इस हवाले से फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि 0.10% फ्लोर मिल्स मालकान जो फाइलर हैं उन पर टैक्स लगाया गया है, इसके अलावा रिटेलर पर 0.50% और फ्लोर मिल्स मालकान जो नॉन फाइलर हैं उन पर 5.5% की शरह से टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इसके अलावा अगर हम नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर डीलर्स पर 2%, रिटेलर पर 2.5% और फ्लोर मिल्स पर 5.5% टैक्स नाफज करने की सिफारिश थी, जिसके बाद आटे, मैदे और इससे जो मुंसलिक दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। और फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि जब तक इस विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा नहीं किया जाएगा, इसको हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान नहीं करेगी, तब तक आटे की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। और जो पंजाब समेत वफाक की हुकूमत का विजन है कि शहरियों को सस्ती रोटी मुहैया किए जाए, जब विद होल्डिंग टैक्स का नफाज होगा तो फिर सस्ती रोटी हुकूमत शहरियों को मुहैया नहीं कर सकेगी। इसलिए फ्लोर मिल मालकान की जानब से और चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तखार वट्टू चौधरी की जानब से ये अपील की गई है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना और इससे मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस मामले को संजीदगी से देखें और गंदम की मसनूआत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
आर्मी बैंक से हाउसिंग सेक्टर के लिए मिलने वाला $200 मिलियन का कर्ज। आर्मी बैंक से मलबे वाला कर्ज अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खर्च होगा। महकमा हाउसिंग की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। आर्मी बैंक ने पीटीआई दौरे हुकूमत में कर्ज की मंजूरी दी थी। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाउसिंग की तरफ से सिफारिशात की गई थी ईवान वज़ीर आला पंजाब को कि सबका दौरे हुकूमत पीटीआई के दौरे हुकूमत में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 200 मिलियन का कर्ज यानी कि 50 अरब रुपए से ज्यादा का कर्ज है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए रखा गया था। तो लिहाजा आप क्योंकि वो स्कीम उसका नाम तब्दील कर दिया गया है और उस स्कीम को भी जो है वो बंद कर दिया गया, तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट का बजट है आर्मी बैंक का कर्ज वो इसको नए किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। तो डाइवर्जन के लिए जो अप्रूवल मांगी गई थी उस पर हुकूमत पंजाब ने बाकायदा अप्रूवल दे दी और कहा है कि इसको अपनी छत अपना घर के साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत के ऊपर इसके प्रोजेक्ट के जो है इसका फंड वो इस्तेमाल किया जाए। और महकमा हाउसिंग को और फाटा जो एजेंसी है टाउन प्लानिंग एजेंसी उनको भी हदायत जारी की कि वो इस प्रोजेक्ट की तकमील के ये फ़ंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए डाइवर्जन की हुकूमत पंजाब से मंजूरी क्योंकि मशरूत थी। अब उसके बाद इसी फंड से अब नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो महकमा हाउसिंग के अंदर बनाया जाएगा जिसकी चंद रोज़ कबल जो है वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी कि वो अपनी छत अपना घर और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम यानी कि कम आमदन वाले अफराद के लिए जो घरों की तमीर का मनसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। तो 200 मिलियन का कर्ज अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से उठाकर अपनी छत अपना घर मनसूबा और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अवॉर्ड कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। FBI ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए नई स्लैब जारी कर दी है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कई गुना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर्स 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की खरीद पर 12% टैक्स अदा करेगा। 5 से 10 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की खरीद पर 16% टैक्स अदा करेगा, जबकि 10 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी खरीद पर 20% टैक्स वसूल किया जाएगा। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी कलीम। नया माली साल नॉन फाइलर्स के लिए सख्त तरीन साबित होगा और प्रॉपर्टी की ख़रीदारी और फरोख्त के ऊपर भी उन्हें कई गुना टैक्स अदा करना होगा। अगर बात करें तो नॉन फाइलर्स 5 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की ख़रीदारी करता है तो उसके ऊपर उसे 12% टैक्स देना होगा और इसी तरह ही अगर वो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी करता है जिसकी मालियत 5 से 10 करोड़ पे है तो उसके ऊपर उसे 16% टैक्स अदा करना होगा और इसी तरह ही अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज़ायद है तो उसके ऊपर उसे जो टैक्स है वो 20% तक अदा करना होगा। इसी तरह ही जो अगर वो प्रॉपर्टी की फरोख्त करता है तो उसके ऊपर भी उसे 10% जो टैक्स है वो देना होगा। अगर बात करें लेट फाइलर की जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुकर्रर करदा तारीख के मुताबिक वो गोशवारे मुकर्रर करदा तरीक के ऊपर गोशवारे जमा नहीं करवाता तो उसे लेट फाइलर तसव्वुर किया जाएगा और वो भी फाइलर की बनिस्बत जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा अदा करेंगे तो उसके ऊपर उसे 3.5% जो टैक्स है वो अदा करना होगा। इसी तरह ही अगर वो प्रॉपर्टी की खरीदारी करता है जिसकी मालियत 10 करोड़ है तो उसके ऊपर उसे 4% तक जो टैक्स है वो अदा करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए माली साल की पेश नज़र जो प्रॉपर्टी की खरीदारी और फरोख्त है से जो नई स्लिप है वो भी जारी है। बहुत शुक्रिया कलीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से सुबह भर के पुलिस अफसरान की मुलाकात। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर किए गए हैं। शिकायत, मुकदमा, फर्द जुर्म, सर्च ऑपरेशन और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर नंबर मिलेंगे। पतंगबाजी और फायरिंग की रोकथाम, मुलजिमान की गिरफ्तारी, खुली कचहरी से भी नंबर मिलेंगे। इतराई और मुनफरिद इकदाम से पुलिस अफसरान को इजाफी नंबर्स मिलेंगे। टास्क पूरा ना होने पर पुलिस अफसरान के नंबर काट लिए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। महकमे बल्दियात के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सूबाई वजीर के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात ने अवामी बेहतरी के लिए जारी स्कीमें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। हमारा काम है कि मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल कराएं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की जानिब से कहा गया, नए बजट में भारी रकम तरक्याती स्कीमों के लिए भी रखी गई है। मंसूबे अगले 10 साल की ज़रूरियात को मद्देनजर रख कर बनाए जाएँ। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। इजलास में महकमा सनत के ज़ेर एहतमाम तारीखी इमारात की बहाली के उमूर का जायजा लिया गया।
सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए तारीखी इमारतों की बहाली जरूरी है सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया सियाहत के फरोग के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तराक बढ़ाने की भी हिदायत जारी की पूंछ हाउस और शादी हॉल की इमारतों में सियाहती सरगर्मियों का प्लान तलब किया सूबाई वजीर ने गुजरात के तारीखी कले की बहाली के लिए इकदाम करने की हिदायत की इजलास में सीनियर डीजी टैफ्टा अख्तर अब्बास भरवाना समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एंजियोग्राफी मशीनें आउटसोर्स करने के लिए 75 करोड़ मांग लिए हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला महकमा खजाना को इरसाल किया गया एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं तफसीलात जानेंगे उनसे जी कैसे खोखर स्पेशल हेल्थ केयर ने महकमा खजाना से एंजियोग्राफी मशीनों की आउटसोर्स करने के लिए 75 करोड़ रुपए मांगे हैं और महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने ये फंड जो है ये ब्लॉक एलोकेशन से मांगे हैं ताकि जो सूबा भर के जो टर्शियरी केयर अस्पताल है उनके जो कार्डिक सेंटर है या जो कार्डिक इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जो एंजियोग्राफी मशीनें हैं वो खरीदी जाएँ या ख़राब है तो उनको ठीक किया जाए और अगर नॉन फंक्शनल है तो उनको फंक्शनल किया जाए इस हवाले से ये समरी जो है ये मरासला जो है ये महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने महकमा खजाना को अरसाल किया है और कहा है कि फौरी तौर पर 75 करोड़ रुपये दिए जाए ताकि जो पेशेंट केयर को बेहतर करने के लिए एंजियोग्राफी मशीनों को आउटसोर्स किया जा सके और लोगों को म्यारी और सस्ते और बेहतर जो टेस्ट ठीक है कैसे खोकर बहुत शुक्रिया